अहंकार तो मिट भी सकता है, लेकिन लेसा अभिमान जो है, अभिमान तो मिट सकता है लेकिन लेसा अभिमान मिटना बहुत मुश्किल है। ये जिस दिन मिट जाता है उसी दिन भगवत कृपा होने लगती है। एक सेठ जी थे, गुरु जी के शिष्य थे, तो गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने कहा, बेटा सब ठीक ठाक है, सब कुशल पूर्वक हो? हाँ गुरु जी, सब कुशल पूर्वक है, बहुत अच्छा है गुरु जी, आपकी कृपा से चार चार बंगले हैं, आपकी कृपा से चार चार पांच पांच फैक्ट्रियां हैं, गुरु जी आपकी कृपा से चार पांच पांच कारें हैं बड़ी, सब कुछ है गुरु जी, लेकिन आपका आशीर्वाद ऐसा है कि हमें अभिमान नहीं है। गुरु जी ने एक झापड़ मुंह पे लगाया, बोले ये अभिमान नहीं बोल रहा है और कौन बोल रहा है, ये गिना रहे हो, ये अभिमान नहीं और क्या है। हमें अभिमान होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ऐसे गोपियों को अहंकार हो गया कि हम तो भगवान की बहुत प्रिय हैं, हमसे प्रिय कोई नहीं है, कन्हैया तो हमें कंधों पे बिठा के चलता है। तो जैसे अहंकार हुआ गोपियों को, कन्हैया छुप गया, कन्हैया छुप गया तो गोपियां अब कन्हैया के विरह में रोने लगी। कन्हैया तुम हमें मत छोड़ के जाओ, तुम हमें नहीं छोड़ सकते प्यारे, हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है, आप हमें ही छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं हो सकता कन्हैया। कन्हैया की याद करके गोपियां रोने लगती हैं। सरस जो दरह श्री मुख दृशान सुरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किंब विसजल पिया ब्याल राक्षस बरख मरुता वैदुतनला ब्रखमयात्मजा विश्व तो भया रखवते वयम् रक्षिता भू न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना तकद्रात्मकद्रक विखन शार्थितो विश्व गोप्तये शखु देवा शात्बतां कुहे जयति ते धिकं जन्मनां ब्रज शयते इंदिरा शश्वदत्रहि। इस तरह गोपियां रुदन करने लगी और जो जो कन्हैया लीलाएं करता था, जो जो कन्हैया ने लीलाएं की, गोपियां माखन चुराने लगी, माखन चुराने की लीला करने लगी, पूतना बध की लीला करने लगी, गोवर्धन उठाने की लीला करने लगी, जो जो भी कन्हैया ने कर किया था वो सारी सारी गोपियां लीलाएं करने लगी और कहने लगी, प्यारे कोई बात नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, अगर हमारे प्रेम में ताकत है, हमारी आह में, हमारे आंसुओं में ताकत है कन्हैया, तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा, आहों में
जन्मों से प्यासी है
तेरे अधरों के रस की जन्मों से प्यासी है, एक बार पिला दोगे, एक बार पिला दोगे, तुम्हें दिल से दुआ देंगे, तुम रूठे रहो बुला लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, रूठे रहो मोहन। रासलीला हुई, कन्हैया फिर आ गया और महाराज लीला प्रारंभ हो गई। गोपियां कन्हैया का चिंतन करते करते कृष्ण बन गई, जीव और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। ये वासना की नहीं, वास्तविकता की लीला थी, एकात्म होने की लीला थी। प्रेम द्वैत से प्रारंभ होता है और एकात्म पर समाप्त होता है। प्रेम दो से प्रारंभ होता है और एक पर समाप्त होता है। आज कृष्ण और गोपी एक हो गई। गोपियों के जन्म जन्म की इच्छा आज पूर्ण हुई। कृष्ण रस का पान गोपियों ने किया, सारी गोपियां अपने भान को भूल गईं। माला विभूषण वस्त्र आदिक गिर गए कब अंग से, माला विभूषण वस्त्र आदिक गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से, श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण मय ही हो गई, श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की
पे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। श्री कृष्ण की पे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। सारी गोपियां कृष्ण हो गई। ये महारास लीला 6 मास तक चली। कन्हैया ने कहा गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का सदैव ऋणी रहूंगा और वृंदावन छोड़ करके मैं कभी एक पग भी नहीं जाऊंगा। वृंदावन प्रत्यक्ष पाद एकम न गच्छत। वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं भी एक पग नहीं जाऊंगा। ये गोपियों को वचन दिया कन्हैया ने। अब एक बार शिवरात्रि के पर्व पर नंद बाबा ने अंबिका वन की यात्रा की और वहां वो सो गए। अजगर उन्हें निगलने लगा, तब कृष्ण के चरणों से स्पर्श करके वो उद्धार हुआ उसका। उसने कहा मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था, अंगिरा के कुरूप होने पर मैं हंसा, इसलिए उन्होंने मुझे शाप दे दिया। तत्पश्चात भगवान ने गोपियों को ले जाते हुए शंखचूर्ण का उद्धार किया। अरिष्ट का भी भगवान ने वध कर दिया। तो नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा कंस तुम इतने मस्ती में बैठे हो, ये जो कृष्ण है ना, ये कृष्ण देवकी के 8वें गर्भ जो तुम्हारा काल है ये वही 8वां गर्भ है, ये वही कृष्ण है देवकी का पुत्र। कंस ने कहा वसुदेव ने तो हमें सारे संतान देने का वचन दिया था, इसका मतलब वसुदेव ने हमारे साथ धोखा किया, हम वसुदेव को ही नहीं रखेंगे इनको ही मार डालेंगे। नारद जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, अरे मारना किसको है और मारने किसको जा रहे, वसुदेव के मारने से आपको क्या मिलेगा, मारना है तो उस कृष्ण को मारो। तो कैसे उसे मारा जाए, तो सोचने लगा तो मंत्रणा हुई। ब्राह्मणों ने कहा एक यज्ञ किया जाए, यदि 5 दिन तक उस यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आएगा तो फिर आपको कोई नहीं मार सकता। कंस से कहा तो अब 5 दिन तक निर्विघ्न यज्ञ की कौन जिम्मेदारी ले, 5 दिन तक यज्ञ की निर्विघ्न जिम्मेदारी कौन ले। तो मल्लों ने कहा कोई बात नहीं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम कोई विघ्न नहीं होने देंगे, कोई विघ्न नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन कृष्ण को लाया कैसे जाए, कौन लाएगा। तो कंस अक्रूर के पास गया और कहा चाचा तुम कृष्ण को बुला करके लाओ। कन्हैया को कौन ला सकता है, कन्हैया को अक्रूर ही ला सकता है, जिसका हृदय क्रूर न हो ऐसा ही कन्हैया को बुला सकता है, और कोई कन्हैया को बुला नहीं सकता। तो अक्रूर जी को यह कार्य सौंपा कि तुम कन्हैया को बुला के लाओ। अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए स्वर्ण रथ पर सवार हुए। कन्हैया का चिंतन करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हमारा अहोभाग्य है कि मुझे कन्हैया के दर्शन होंगे, पूरा जीवन मुझे हो गया, मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था कि उस कन्हैया के मुझे दर्शन कब होंगे, कब वो दर्शन मुझे देगा, आज ये मुझे सौभाग्य मिला है। तो अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए चलते हैं, तो अक्रूर जी रथ पर नहीं बैठते हैं, दंड प्रणाम करते हुए जमीन पर लेटते हुए अक्रूर जी पहुंचते हैं और सोचते हैं कि कन्हैया हमें उठाए और हमसे चाचा कहे
अक्रूर जी जब पहुंचे तो गौशाला में कन्हैया था। अक्रूर जी कन्हैया के चरणों में लेट गए। कन्हैया ने अक्रूर को उठाया और कहा चाचा उठो, गले से लगा लिया। अक्रूर की आंखों में आंसू बहने लगे। अक्रूर को लेकर के कन्हैया घर पे पहुंचा। नंद जी ने स्वागत सत्कार किया, बिठाला। उसके बाद अक्रूर जी से पूछा तो अक्रूर जी ने कहा नंद जी मैं कंस का संदेश लेकर के आया हूं। उसने कृष्ण और बलराम को लेने के लिए रथ भेजा है बुलाने के लिए, और आपको भी उसमें आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बैठी हुई थी आंगन में, और जैसे ही यशोदा मैया ने यह सुना कि कन्हैया मथुरा जाएगा, यशोदा मैया आंगन से उठ करके और अंदर पहुंच गई, अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा मैया अभी बैठी थी, कहां चली गई। कन्हैया उठा और गया तो देखा मैया रो रही है। कन्हैया ने कहा मैया तू रो क्यों रही है, क्या बात है। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया तू आज मुझसे अलग हो जाएगा, तू आज चला जाएगा। कन्हैया तू मुझे छोड़कर के मथुरा मत जा। प्यारी मैं तुझे सुबह उठ करके ताजे माखन और मिश्री का भोग लगाती थी, तू एक बार में नहीं खाता था, तू भाग जाता था। कन्हैया मैं तुझे मनाने के लिए तेरी जो जिद होती थी मैं पूरी करती थी। प्यारे तेरी हर जिद पूरी करके मैं तुझे माखन मिश्री खिलाती थी। कन्हैया तू यहां से चला जाएगा, मैं किसे सुबह उठकर के माखन मिश्री खिलाऊंगी, किसको मनाऊंगी, किसको नहलाऊंगी, किसको सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी। प्यारे तू मुझे छोड़कर मत जा। यशोदा मैया कन्हैया से कह रही थी। इतने में यह समाचार सारे ब्रज में फैल गया। सारी गोपियां यशोदा मैया के घर पे आ गईं। और कन्हैया से कहने लगी कन्हैया हमने तेरे लिए कुल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लोग लज्जा छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया प्यारे, और तू हम ही को छोड़े जा रहा। कन्हैया अगर तुझे छोड़ना ही था तो तूने मुझे फिर अपनाया क्यों था, क्यों अपनाया था। कन्हैया तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता प्यारे, अगर तूने मुझे आज छोड़ दिया, अगर तू मुझे छोड़ करके मथुरा चला गया कन्हैया, तो आज से हम किसी काले पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी काले पर विश्वास नहीं करेंगे। लखी हो नहीं अंबुज नील कबहु, ना कालिंद तीर नहायउ मैं, न सिंगारहु केसन को करियउ, कजरा हुनने न लगायउ मैं, न तो माथे मृग मद बिंदु धरो, मणि नीलम अंगन लायउ मैं, घन श्याम हूँ श्यामन हो लखियो, न तमाल तरु तरे जायू मैं। कन्हैया अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो आज से हम किसी काले पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी काले का स्पर्श तक नहीं करेंगे प्यारे, इसलिए तू मुझे धोखा देकर मत जा। इतने में राधा जी आ गईं। राधा जी ने कहा अक्रूर
किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? अरे किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुमसे बड़ा क्रूर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है, जो मेरे प्राणों को मुझसे अलग कर दे। अक्रूर, उससे बड़ा क्रूर कौन हो सकता है? अक्रूर, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, मेरा सर्वस्व ले लो अक्रूर, लेकिन मेरे प्राणों को, मेरे प्रियतम को मुझसे अलग मत करो, मेरे कन्हैया को मुझसे अलग मत करो। ऐसा कहते कहते राधा रोने लगती है, सारी गोपियों की आंखों में अश्रुधार बहने लगती है। सारी कहती हैं, कन्हैया तुम मुझे छोड़कर मथुरा मत जाओ। न जाओ मथुरा नगरिया, मान लो कन्हैया कहना मान लो। न जाओ मथुरा नगरिया, मान लो कन्हैया ओ। न जाओ मथुरा नगरिया, जाबो मथुरा नगरिया, मान लो कन्हैया कहना मान लो। न जाबो मथुरा नगरिया, मान लो कन्हैया कहना मान लो। कैसे कटे जाओ मरिया, कटे जाओ मरिया, मान लो कन्हैया कहना मान लो। न जाओ मथुरा नगरिया, मान लो कन्हैया कहना मान लो। न जाओ मथुरा नगरिया, मान लो कन्हैया कहना। श्याम भई तेरे बस में और कहू ना जाने, हम तो श्याम भई तेरे बस में और कहू ना जाने। हम तो श्याम भई है तेरी और कहू ना जाने, हम तो श्याम भई है तेरी और कहू ना जाने। पति परिवार पुत्र तारा हम काहू ना पहचाने, ऐसी भाई हम बबरिया, मान लो कन्हैया कहना मान लो। न जाओ मथुरा नगरिया, मान लो कन्हैया कहना मान लो। न जाओ मथुरा नगरिया, मान लो कन्हैया कहना मान लो। जय जय श्री राधे श्याम। कन्हैया तुम हमें मत छोड़ के जाओ प्यारे, हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, कुल कान लोक लज्जा घर परिवार सब छोड़ दिया प्यारे, और तुम हम ही को छोड़े जा रहे हो। राधा आ गई। राधा से कन्हैया ने कहा, राधा तुम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की रक्षा करो,
राधा हम तुम्हें बांसुरी दिए जा रहे हैं, ये बांसुरी जब भी तुम बजाओगी राधा हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। कन्हैया का रथ आगे बढ़ा, गोपियां रथ के पीछे भाग खड़ी हुई, दौड़ रही है रथ के पीछे गोपियां, कोई रास्ते में खड़ी हो गई, कोई रथ के आगे खड़ी हो गई, कोई रथ पे चढ़ गई। सारी गोपियों के आंखों में अश्रु बह रहे हैं। रथ आगे बढ़ाया अक्रूर ने तो देखा मैया रथ के पीछे दौड़ी, अक्रूर ने रथ को रोका, मैया ने कन्हैया की आरती उतारी और कहा कन्हैया तू जा रहा है प्यारी, तू इस मैया को छोड़ के जा रहा है कन्हैया, जो कन्हैया कभी मेरे एक पल भी ओट नहीं होता था आंखों से, आज इस मैया को छोड़ करके तू जा रहा है प्यारे, अब मैं किसे सुबह उठाऊंगी, किसे सुबह जगाऊंगी, किसे नहलाऊंगी, किसे वस्त्र पहनाऊंगी, किसके काजल लगाऊंगी, किसे माखन मिश्री खिलाऊंगी। कन्हैया तू बार बार भागता था, मैं तुझे मनाती थी, बता कन्हैया अब ये यशोदा मैया किसे मनाएगी, किसे मनाएगी। कन्हैया तू जब जा ही रहा है तो आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ कन्हैया, कन्हैया मैं तेरी माँ नहीं हूं, मैं तेरी माँ नहीं हूं कन्हैया, मैं तो तेरी पालन करने वाली एक धाई हूं। कन्हैया तेरी माँ तो देवकी है प्यारी, लगता है तू इसलिए मुझे छोड़े जा रहा है कन्हैया कि मैंने एक दिन तुझे ऊखल से बांधा था। कन्हैया जब मैंने तुझे ऊखल से बांधा था तो तुझे बहुत कष्ट हुआ था, तुझे बहुत दर्द हुआ होगा, लगता है कन्हैया उसी दर्द के कारण, उसी बंधन के कारण तू मुझे छोड़े जा रहा है। कन्हैया मैं तुझसे कहती हूं प्यारे उस बंधन को तू भूल जाना, भूल जाना कन्हैया, और देवकी से कहना कि यदि तेरे पालन पोषण में कोई कमी रहे तो इस दासी यशोदा को बुला ले, मैं तेरा पालन करती रहूंगी कन्हैया, तू मेरे बंधन को जरूर भूल जाना। कन्हैया ने कहा मैया मैं सारे संसार को भूल सकता हूँ, मैं गोपियों को भूल सकता हूँ, ग्वाल बालों को भूल सकता हूँ, राधा को भूल सकता हूँ कन्हैया मैया, लेकिन मैं तेरे बंधन को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। तू चिंता मत कर, मैं जरूर लौटूंगा, अवश्य आऊंगा मैया, तू बिल्कुल चिंता मत कर। कन्हैया ने गोपियों से कहा गोपियों मैं जा तो जरूर रहा हूं लेकिन एक स्वरूप मेरा यहां रहेगा और एक मथुरा में रहेगा, तुमसे ये कन्हैया अलग कभी नहीं होगा। गोपियों को समझाया कन्हैया ने, रथ आगे बढ़ा और जैसे ही मथुरा की सीमा में प्रवेश किया कन्हैया के रथ ने, कन्हैया ने कहा क्रूर जी हमारे रथ को यही रोक दो, क्योंकि जहां कंस है वहां कृष्ण नहीं रह सकते, जहां कंस रहेगा वहां कृष्ण नहीं रह सकते, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी का बहु न रह सके, रवि रजनी एकठाम, रवि रजनी एकठाम। जहां काम है वहां राम नहीं रह सकता, वहां श्याम नहीं रह सकता, और जहां श्याम है, जहां राम है वहां काम नहीं ठहर सकता, इसलिए अक्रूर जी जहां कंस है वहां ये कृष्ण नहीं रह सकता, इसलिए हमारे रथ को यहीं रोको। रात्रि विश्राम किया, वृंदा
मथुरा की सीमा पर कन्हैया ने, और जैसे सुबह हुआ कन्हैया का रथ मथुरा के अंदर प्रवेश हुआ, सारे नगर की स्त्रियां कन्हैया का दर्शन करने के लिए अट्टालिका पर जमी। इतनी भीड़ सड़कों से लेकर अट्टालिकाओं पर कन्हैया के दर्शन को उमड़ी। मथुरा की स्त्रियों ने कहा, कन्हैया अरे तू जब राम था ना, तूने जब राम का अवतार लिया था और हम मिथिला की स्त्रियां थी, तो हमने लाख प्रयास किया था कि तेरा तू एक नजर मेरी तरफ डाल दे, हम कृतार्थ हो जाएं, लेकिन तूने नहीं डाली। कन्हैया अब की बार भी ऐसा मत करना प्यारे, एक कृपा की नजर अवश्य मेरे ऊपर कर देना। सारी स्त्रियां जो मथुरा की अट्टालिकाओं पर कन्हैया के दर्शन के लिए उमड़ी हुई हैं, कहती हैं, प्यारे प्यारे देख लो हमारी भी ओर, न जाने कब से प्यासी अखियां। प्यारे देख लो हमारी भी ओर, न जाने कब से प्यासी अखियां। प्यारे देख लो हमारी भी ओर, न जाने कब से प्यासी अखियां। प्यारे देख लो हमारी ओर, न जाने कब से प्यासी अखियां। जरा कर दो कृपा की कोर, न जाने कब से प्यासी अखियां। जरा कर दो हमारी ओर, न जाने कब से।